बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल, चैप्टर नंबर 2, क्लास 5, सब्जेक्ट GS, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह के स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है कि ये बीमारियां फैलाते हैं। बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और बाज़ जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिशियल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द ह्यूमन बॉडी, जर्म्स पैदा करते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन हम इन इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? हाउ वी कैन अवॉइड इन्फेक्शन? टेकिंग अ बाथ, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, एंड वॉश आवर हैंड्स, और अपने हाथों को धोना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। डर्टी हैंड आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हमें जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को धोना चाहिए और हाथों को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि ये हाथ हमारे इन्फेक्शन फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम अपने हाथों को साफ़ रखेंगे तो बहुत सी इन्फेक्शन से हम महफूज रह सकते हैं। यूजिंग बॉइल्ड वाटर एंड फ्रेश फूड, यूजिंग बॉइल्ड वाटर एंड फ्रेश फूड, क्योंकि हमारा जो पानी है वो बहुत हद तक आलूदा हो चुका है, इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के जर्म्स पाए जाते हैं। तो हमें जब भी हमने हमारी बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है, हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। पानी, आलूदा पानी पीने की वजह से हम बहुत सी बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं, जैसा कि हैज़ा और हेपेटाइटिस, जो आलूदा पानी की वजह से मेजर बीमारियों में हमें मुबतला कर सकते हैं। एंड फ्रेश फूड, हमेशा ताज़ा और फ्रेश फूड इस्तेमाल करनी चाहिए। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, नेक्स्ट है, हमें अपनी जो इर्द गिर्द का हमारा माहौल है, सराउंडिंग है, उसको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम एज स्टूडेंट हैं इसलिए हमारे जो दिन का ज़्यादातर जो हमारा हिस्सा हम वक्त गुजारते हैं वो स्कूल में गुजारते हैं, इसलिए हमें अपने स्कूल को साफ़ रखना चाहिए, अपने घर को साफ़ रखना चाहिए, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना चाहिए, ताकि हमारी सराउंडिंग जो है वो क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो और जर्म्स से हम बच सकें और इन्फेक्शन से महफूज रह सकें। यूजिंग बैंडेज ओवर द इंजरीज, खेलते कूदते हमारे या चलते फिरते हमारे जिस्म पे इंजरीज, स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उन पे पट्टी बांध लेनी चाहिए। जो इंजरीज और स्क्रैचेस हैं वो एंट्री पॉइंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जब इसलिए हमें जब भी हमारे जिस्म पे या बॉडी पे कोई कट या चोट लगती है या स्क्रैचेस आ जाते हैं तो हमें फौरन टैटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, ताकि हम टैटनस से बच सकें। मेकिंग, नेक्स्ट है, मेकिंग नो कॉन्टैक्ट विद पीपल सफरिंग फ्रॉम फ्लू, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। जिन लोगों को फ्लू या ज़ुकाम हुआ होता है हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनके ज़्यादा करीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ हैं। जो वायरस है वो जब फ्लू वाले पर्सन है वो छींकते हैं तो हमारे जो जर्म्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन उसी एनवायरनमेंट में सांस लेता है तो वो इस बीमारी में मुबतला हो सकता है। इसलिए ऐसे ही कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ हैं, हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए जब ये इन बीमारियों में मुबतला होते हैं। और कट योर नेल रेगुलरली, हमें अपने नाखूनों को बहुत रेगुलर काट लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बड़े हुए ना हों, क्योंकि नेल्स के ज़रिए भी जो जर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे अंदर जा सकते हैं। ये हमारा हाउ वी कैन अवॉइड इन्फेक्शन टॉपिक यहाँ तक ही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ
चैप्टर नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी इन्वायरमेंट क्या है, किसे कहते हैं इन्वायरमेंट। हम जिस जगह रहते हैं हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल माहौलियाती पोल्यूशन, आलूदगी, जो चीज़ें हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, ख़राब करती हैं, गंदा कर देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आलूदगी कहलाती हैं। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हम वो चीज़ें जो हमारे माहौल को आलूदा ख़राब कर देती हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहलाती हैं। थिंग अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो हमारा माहौल बनाते हैं। लिविंग थिंग गेट फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर आवर लाइफ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, माहौलियाती आलूदगी जो है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होगी तो हम बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पोल्यूशन क्या है। द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल, टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। द एडिशन, जमा हो जाना या आ जाना, ऑफ अनवांटेड मटीरियल, आलूदा चीज़ों का, टू द इन्वायरमेंट माहौल में, दैट मेक इट बना देती हैं अनफिट फॉर लाइफ, जो जिंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। कि ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल को ख़राब कर देती हैं हमारी ज़िंदगी, तो वो द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंट इज़ नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज इट शुड बी। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इन इट। बहुत से हम लोग जब बाज़ार में जाते हैं या हम कुछ खाते हैं, हम आउटिंग पे जाते हैं, तो हम वहाँ के माहौल को साफ़ रखने की कोशिश नहीं करते। हम बची खची चीज़ें, खुराक रैपर वगैरह हम उधर ही फेंक देते हैं। हम नहीं सोचते कि इससे हमारा माहौल गंदा होगा, बल्कि हम यही समझते हैं कि हम चंद मिनट के लिए इधर आए हैं और ये जो इन्वायरमेंट है वो हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि स्वीपर्स का काम है इस माहौल को साफ़ रखना। ये हमारे लिए इसी सोच के बिना पर हमारा माहौल बहुत हद तक आलूदा हो चुका है। पोल्यूटेंट्स, द मटीरियल विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो मटीरियल हमारे माहौल को आलूदा करता है वो क्या कहलाता है, पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पोल्यूटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, केमिकल स्प्रे है, वेस्ट मटेरियल होते हैं, शॉपिंग बैग, ये हमारे माहौल को आलूदा करते हैं, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ स्मोक, एशेज और गाड़ियों का धुआं वगैरह हमारे माहौल को आलूदा करता है, और ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।